दोस्तों आज हम लोग हाथी के एरिया में आए हैं कपड़ा साफ करने के लिए। क्या डर लग रहा है क्या? हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। लाइफ ब्लॉग में आप लोग के स्वागत। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं नदी कपड़ा साफ करने के लिए। देखिए दोस्तों, इतना सारा कपड़ा उठा ली है मेरा पत्नी और अभी हम लोग जा रहे हैं नदी में कपड़ा साफ करने के लिए। क्या हाँ। तो चलिए दिखाते हैं नदी का व्यू और कपड़ा हम लोग साफ करेंगे अभी पत्थर में दोस्तों। तो चलिए, तो उससे मेरा क्या फायदा? देखिए दोस्तों, हम लोग तीन आदमी जा रहे हैं। आगे आगे अमृता जा रही है और बीच में मेरा पत्नी और पीछे पीछे मैं। और ये देखिए, तगाड़ी में कपड़ा ले ली है और इधर तालाब है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग नदी में पहुंच गए हैं। ये देखिए अमृता है और इधर अमृता के माँ, ये देखिए खड़ी हुई है। और इधर हम दिखाते हैं अभी आप लोगों को, ये देखिए दोस्तों, ये है पत्थर। इसी पत्थर में हम लोग कपड़ा वपड़ा साफ करेंगे। क्या हाँ। ये देखिए दोस्तों, कपड़ा धोना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं और अभी हम भी धोएंगे दोस्तों, फटाफट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट साफ कर लेते हैं। और इधर देखिए व्यू दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है। नदी का व्यू बहुत ही अच्छा और चारों तरफ जंगल ही जंगल है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग हाथी के एरिया में आए हैं कपड़ा साफ करने के लिए। क्या डर लग रहा है क्या? नहीं, हाथी तो उधर भाग गया, दूसरा गांव था। दोस्तों अभी हाथी इधर नहीं है, अभी था पहले लेकिन भाग गया है। फॉरेस्ट वाले लोग भगा दिए, वन विभाग वाले। हम बेतला पार्क से भाग के आए थे, चार पांच गो हाथी, तो अभी इधर नहीं है। अभी डर नहीं लग रहा है, लेकिन इधर ही जंगल में रहते हैं दोस्तों, आते हैं तो इधर ही रहते हैं। दोस्तों हम लोग कपड़ा वपड़ा खींच के थोड़ा बहुत सुखा लिए हैं, अब उठा ले रहे हैं, अब चलेंगे घर। दोस्तों अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और कपड़ा वपड़ा सूखने के लिए टांग दिए हैं, देखिए सूख रहा है। और इधर देखिए मेरा पत्नी आंगना लिप रही है, कोड़ा गया है दोस्तों आंगना, ये देखिए। और दोस्तों आज खाने में बना है आलू का सब्जी और चावल। दोस्तों खाने जा रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर चावल ही खाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में गेहूँ नहीं होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा चावल ही होता है। और यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था नहीं है, इसी चलते चावल ही हम लोग खा के आदत बन गया है, तो चावल ही खाते हैं डेली। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा भाषण वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी अपना वीडियो लोड करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।